डेवलपमेंट आए हाय, बिजली डेवलपमेंट आए हाय, बिजली डेवलपमेंट आए हाय, बिजली डेवलपमेंट आए हाय, बिजली डेवलपमेंट आए हाय, बीएचई डेवलपमेंट आए हाय, बीएचई डेवलपमेंट आए हाय, बीएचई डेवलपमेंट आए हाय, जन आए हाय, डिस्ट्रिक्ट सांबा एडमिनिस्ट्रेशन आए हाय, एडमिनिस्ट्रेशन आए हाय, एडमिनिस्ट्रेशन सांबा आए हाय, एडमिनिस्ट्रेशन सांबा आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, बीएचई डिपार्टमेंट आए हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बिजली आए हाय, बीजेपी आए हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय, बिजली डिपार्टमेंट आए हाय। अदावरी नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम राया बराजरी में पहुंचे हुए हैं, जहां पर काफी लोग नारे वगैरह लगा रहे हैं पीएचई और पीडीडी के खिलाफ, क्योंकि पीडीडी की तरफ से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। लाइट जो है वो मुझे लगता है कि 24 घंटे में तकरीबन 2 या 3 घंटे ही आ रही है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि काफी लोग दुखी हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्होंने कभी किसी से अप्रोच किया है, जहाँ मेन क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रघुवीर सिंह बागल। अच्छा, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो आज, क्या प्रॉब्लम हुई कि प्रोटेस्ट करना पड़ गया आज? देखो, ये तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है। बिजली की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हमें, 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे दे सकते हैं ये बिजली डिपार्टमेंट, पहले हमें बिजली दे रहे हैं। बाकी रही पानी की बात, पीएचई डिपार्टमेंट कभी राय की मोटरें सड़ी जली हुई हैं, कभी नीचे राया मोड़ की मोटरें जली हुई है। हमें 15 दिन के बाद 20 मिनट कल पानी आया, टोटल 20 मिनट है। उसी पानी पे हम डिपेंड है, पशु हम भी नाना है। ऐसा क्यों रहा है, क्या आपने कोई जानने की कोशिश की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कभी उनसे जानने की कोशिश की क्या आपके साथ ऐसा क्यों रहा है? बिल्कुल हमने किया, हमने पूरी अप्रोच किया, AW यही जो कंसर्न अथॉरिटी है, हमने तो उनको ही कहना है ना। बाकी रही बात, जहाँ पे पल्ली पे एक प्रधानमंत्री की रैली थी, तो ये उस वक्त तो ये बहाने लगाते थे हम वहाँ पे अंगेज हैं, हमें वहाँ पे डिप्यूट किया गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि जनता को मार देना है। आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया कि जो पल्ली में आए, पल्ली तो मुझे तो लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांबा में आए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। उससे मुझे लगता है कि जो हालात है वो अच्छे होने चाहिए थे, जो लोगों को हर फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए थी। तो आपको क्या लग रहा है, मिल रही है आपको? बिल्कुल कख नहीं, कुछ नहीं हमें मिला। क्या मिला है मुझे बताओ ना, क्या मिला है? लोगों ने बहुत ज़्यादा मीटें रखी थी, हमने भी रखी थी, डेली वेजर का मसला था, स्टेटहुड का मसला था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। क्या हुआ है, 20,000 करोड़ वो तो ऑलरेडी आगे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है जिस मुद्दे के लिए, जिस मुद्दे के लिए आपने आज ये सर्च कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसके हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहते हो आप, क्या मतलब अपील करते हो आप? हम यही चाहते हैं कि बिजली हमें पूरी देनी चाहिए। लोगों के बिल ये 15 तारीख को आ जाते हैं, 27 तारीख को इन्होंने लास्ट डेट रखी होती है। अगर 27 तक आप नहीं जमा कर पाते हो तो आपको 10 रुपये चार्जिंग होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको बिल मिल रहे हैं, रेवेन्यू पूरा दे रहे हैं लोग, तो फिर बिजली की क्या प्रॉब्लम है? ये किसकी नाकामी मानते हो, किसकी नाकामी है? ये गवर्नमेंट की होती है, जो गवर्नर हमारा है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सांबे ने देखना चाहिए, बिजली डिपार्टमेंट ने देखना चाहिए, पीएचई डिपार्टमेंट ने देखना चाहिए। काफी दिनों से ये क्राइसिस चल रहा है, काफी दिन हो गए, मुझे लगता है कि आज 15 दिन हो गए हैं कि बिजली की प्रॉब्लम करती है, लेकिन आज तक आपको क्या लग रहा है कि आज तक इसका कोई हल होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, जब भी हम पूछते हैं हमारी ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली वाले ये कहते हैं हमारी SP लाइनें जो है फॉल्ट है, उनको
जम्पर नहीं है, वो हमने थोड़े देने हैं, वो तो इनो डिपार्टमेंट नहीं लगाने ना, हमने थोड़े लगाने। वो बेचारे रेवेन्यू दे रहे हैं, पूरे बिल भर रहे हैं, कभी अभी इन्होंने किराया बढ़ा दिया है, पीएचई के बिल भी दे रहे हैं, बिजली के बिल भी दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या वजह है, क्यों नहीं देते आप हमें? क्या कहेंगे जो आज प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर कर रहे हो? सर देखिए, अमृत महोत्सव यहाँ से शुरू हुआ था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी राजेंद्रपुरा से अमृत महोत्सव शुरू हुआ। बड़ी खुशी की बात हुई हमें कि हमारा गांव भी कहीं पहचान में आया। खुद मनोज सिन्हा यहाँ आए, उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि आपके गांव में 22 घंटे बिजली रहेगी। यहाँ 22 घंटे तो सो रही है, 2 घंटे भी नहीं मिल रही है। बिजली होगी तो पानी होगा, बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से होगा? दूसरी बात, हमारी स्टेट जो है J&K स्टेट, मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए मशहूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि जिस स्टेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली पैदा हो रही है, उसी स्टेट के लोग बिजली के लिए रो रहे हैं, उसी स्टेट के लोगों को बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अभी ये किसकी नाकामी मानते हो आप? ये फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर होते हुए भी अगर हमें लाइट नहीं मिल रही है तो किसकी नाकामी है? ये प्रशासन की नाकामी है कि प्रशासन क्यों इस बात को नहीं देख रहा या उनको दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो ये सीधे तौर पर नाकामी प्रशासन की है। इनके पास नीड बेस्ड कर्मी नहीं है, या इनके पास उनको देने के लिए सैलरी नहीं है, या प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये इस चीज़ को चेक करने की जरूरत है कि इस प्रॉब्लम को चेक क्यों नहीं किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे DC मैम सांबा जैसे गवर्नर इंतजामी है, क्या अपील करना चाहोगे आप? अपील कितनी बार करेंगे, कितनी बार मीडिया में देंगे, कितनी बार अपील करेंगे, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आपको क्या लग रहा है कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं है सुनने वाला। अगर सुनने वाला होता तो हम आपको यहाँ क्यों आज इधर बुलाते, क्यों आपको हम तकलीफ देते? कोई सुनने वाला है ही नहीं, मीडिया भी अब मजाक बन चुका है। अगर कोई सुनने वाला होता तो फिर हम यहाँ आज इकट्ठे नहीं हुए होते। ये बात हम कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जहाँ तक मसला, अगर लाइट होगी तो एजुकेशन होगी, तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर, कितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको? सचिन जी तुझे बिल्कुल ठीक आख्या है कि प्रॉब्लम इस वेले बहुत ज्यादा बिजली की और क्राइसिस है। जियां अजे अप्रैल महीना शुरू होया है, अजे तो साढ़े सितंबर एंडिंग तक चलना है गर्मी का जोड़ा मौसम है, तो अजे लोग सारे इतने बड़े हरास ने कि पांच महीने कियां गुजारने ने, ये कियां, ये अगर बिजली का ये हाल रहा है कि वोल्टेज पूरी नहीं है, पावर कट बहुत ज्यादा है, अनशड्यूल्ड पावर कट है, कोई पता नहीं बिजली कुछ वेले आनी है तो कुछ वेले नहीं आनी है, राती लोग तड़फी जाते हैं, ये बुरी हालत है कि राती लोग सोचते हैं कि हूँ हूँ आँदी है बिजली भलै आँदी है जी। ये हाल है जी, असें मीडिया इसलिए तकलीफ की है कि आओ तो लोगों की जो प्रॉब्लम ने हाईलाइट करो। कल अजे सांबा के भी होया प्रोटेस्ट और बड़ी बड़ी जगह, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा बिजली के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन सुती बैठी है। साढ़े जे ई जड़े ने वो बिल्कुल लाके जाड़ियाँ नहीं आते, नहीं ना वो दौरा करते हैं, ना वो कुछ गल सुनते हैं, हालांकि सब कुछ उनके सामने है। और पानी की इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये साढ़ा कंढी एरिया साढ़ा जिनी भी है सारी, ये रोड को उपर जिन्ना भी इलाका साढ़ा कंढी इलाका है, इतने पानी की तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये डिपार्टमेंट सुते तो बिल्कुल क्या BSNL नहीं होगा, पानी नहीं है, नहीं सब तो मैं लगा कि मेन इशू जो इस लाइट का लगा, क्योंकि लाइट आ रहा है पानी का मसला नहीं लगा क्या मैं? लाइट की अगर प्रॉब्लम हल हो तो पानी का प्रॉब्लम भी हल हो सकती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट भी जरा है सुते का है, PHE डिपार्टमेंट जरा है, ये कोई इन्ना एक्टिव नहीं है कि अस इसी आखिया कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर बिजली आओ तो अगर बिजली जिस वे है ही उस वे भी पानी सही नहीं होता, तो आगे वजह है। देखो जी कंढी इलाके अज तक प्रॉब्लम पूरी गई नहीं हुई पानी की, कदम भी सही गया वाटर सप्लाई नहीं हुई अज तक, जदों मेरी 70 साल उम्र हुई है और 70 साल अस दिखाने के पानी की प्रॉब्लम कंडी के अज तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट सुते का नहीं। सर जितने तक साढ़े राय का सवाल है, बड़ा अच्छा पहले ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, वो भी मसला लोही है, लेकिन वो बावजूद भी सर लाइट नहीं आवाजी है, फिर की हो सकता सर की आखिर? ये महाराज बिल्कुल इनका जान बूझी है जी, एडमिनिस्ट्रेशन है जी है, बिल तो ठीक टाइम सिर भेजी उठते हैं और बिल भी एनहांस करिए भेज देना, रेवन्यू भी साढ़े जम्मू संभाग का जो है ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सानू जी बिजली सप्लाई घट है। जियां कि इन्हें मेरे एक साथी ने आख्या है कि साढ़े इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे दिन है, सानू क्राइसिस है और हर बार असं ये प्रॉब्लम मेरे गवर्नमेंट की दसनी पाती है, क्यों जो साढ़े इतने अपनी धरती के साढ़े अपने दरिया जड़े ने साढ़े अपने इतने प्रोजेक्ट जो बिजली पूरी करा दी और इतने हाहाकार मचे दा है, इसलिए बिजली डिपार्टमेंट की चाहिए और ओवरऑल मनोज सिन्हा की भी चाहिए है कि इस मसले की जरा गंभीरता कने लैन, लोग जड़े ने इस वे तड़फी उठे, ये हालत है, बहुत बुरी हालत है जी।
छोटे छोटे बच्चे ने, स्कूल जाने वाले बच्चे ने, उन्हें कियां पढ़ाइया गई ने, बिजली गई नहीं होगी तो पढ़ना कि जी उन्हें। और कल ये एग्जाम आई जाते हैं जी, महाराज जी वह पी एस सी का एग्जाम है जी, ये महाराज एस एस बी का एग्जाम है जी, जनाब सुनवाई बिलकुल के नहीं हो रही है। देखो पिछले साल भी प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन मई जून होते रहे, जिन्हें दिनों के गर्मी जी पीक के उपर होती थी, लू चलती ही और उन्हें दिनों क्राइसिस आता हा। क्या डिपार्टमेंट की पता नहीं है कि गर्मी आवा दी है, तो मैं ऐसे पहले कोई अरेंजमेंट खर्चा है, इसका मतलब है डिपार्टमेंट सुते दा है, कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता, जरा रेवन्यू लेना चाहता है, बाकी और प्रोजेक्ट भी लगाया जाता है। अगर बिजली डिपार्टमेंट का पैसा बिजली के उपर गया लगाया जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली जी सफिशियंट मिल सकती है और लोग जो खुशहाल हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे साथी बोल रहे ने, ये बोल रहे ने बिजली बारे सही बोल रहे हैं, लेकिन जो साढ़े डी डी सी बी डी सी सरपंच पंच जिस मौके ग्रिड स्टेशन च ट्रांसफार्मर लगा, 10 MV का ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन इन्हें ये नहीं सोचा कि सारा इलाका किन्ना, इस मौके साड़ी जी यूनिवर्सिटी बिजली जा रही है किन्नी जा रही है, जब तक यूनिवर्सिटी की बिजली अलग नहीं हुई तद तक सारा जो है ये जिन्हें भी ग्रां है इनका मसला हल नहीं हो सकता, क्यों कि 10 MV का ट्रांसफार्मर तो कुछ नहीं कर सकता, 10 MV का ट्रांसफार्मर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की लाइट दे सकता, अदरवाइज जो जिन्हें भी ग्रां ने इन्हें की लाइट नहीं दे सकता। फिर रही गल कि प्रशासन क्या करेगा, जब साढ़े डी डी सी जो असर चुने देने या बी डी सी मतलब चुने देने या सरपंच चुने देने पंच चुने देने, उ अगर कोई अगर नहीं आओ तो मतलब प्रशासन ही क्या पता कि इतने की हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या जो एक मिनट सर जिते तक डी डी सी आके या बी डी सी या थोड़े सरपंच बिल्कुल उन्हें अगर आना चाहिए उनका फर्ज है क्योंकि वो साढ़े नुमाइंदे, लेकिन क्या तुम उन्हें आख्या कभी कि साढ़े इतने लाइट की प्रॉब्लम है, तुम्हें लोगों मिलने की कोशिश की सर, क्या उन्हें की पता नहीं है कि लाइट की प्रॉब्लम है, मैं ए डब्ल्यू कहीं गल करना, ए डब्ल्यू बोलता कि अपने सरपंच भी बोलो मेरी ग्रिटन के बच्चे अपने लैटर पैड जो है चिट्ठी लिखी दिया और अस जो है उस पर कार्रवाई करके, क्या जय की पता नहीं है, जय आंदा राया ट्यूबवैल पानी बही है और सिगरट पीए चली जाता कश्मीरी, क्या उसी पता नहीं है कि मेरे फील्ड में क्या हो रहा है, मेरे जो बंदे लाए देने उन्हें बंदे को मैं किन्ने घंटे काम लेना किन्ने घंटे काम नहीं लेना, कम से कम जो जेई है उसका पहली गल तो यह है कि नॉर्मल डेली का वह एक फील्ड में चक्कर होना चाहिए, लेकिन अगर डेली नहीं तो हफ्ते में एक या दो बार उसमें चक्कर लाना चाहिए। सर थोड़ा कद सही सुना हूँ मैं जी क्योंकि असलीत वो दसनी भी चाहिए थोड़ू जो खास तौर पर अगर पी एच डी जेई का सवाल है किन्ने बार थोड़ी अजीत ने लफाज तक बिल्कुल नहीं मिले, उस जेई की जल्द मैं फोन करना जिन्हें बार मैं फोन करना वह बोलता कि हाँ जी ठीक है जी मैं इस बंदे की चुकना या इस बंदे की चुकना, और दूसरी गल है कि अगर एक बिजली सॉरी पी एच ई बच्चे ने एक मुलाजम लाए दा अगर उसकी 700 रुपया तनखा है, अगर 700 बच्चे उसका काम नहीं चल सकता तो उस डिपार्टमेंट को छोड़ी देना, क्यों डिपार्टमेंट के कलावा मारी रखे का छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी मतलब जो आम पब्लिक है उसकी क्यों तंग कर रहा हो। सर की अपील करके डी सी मैम साहब सर डी सी मैम भी जो है वो भी अपने मतलब बैठी दी है, उसकी क्या उसकी पता नहीं है कि मेरे प्रशासन के बच्चे या मेरे जो थले वाले सबॉर्डिनेट हैं उनके कने की हो रहा है उसकी पता है, अभी कल तो से एक जो है मतलब अपनी पुलिस की जो है विजयपुर की जो एक नाकामी की मतलब एक वारदात तो सुनी है, क्या वो ऐसी वारदात होनी चाहिए, क्या डी सी सुती दी है, इन्हें कमे के बच्चे जो है जो भी सारे प्रशासन ने या जो भी सारे अस नुमाइंदे चुने ने उन्हें नुमाइंदे अगे आना चाहिए कि भाई बिजली अगर 24 घंटे 4 घंटे आवा दी तो क्यों आवा दी है, चीफ का कसूर है जां मतलब एक्शन का कसूर है जेई का कसूर है ए डब्ल्यू का कसूर है जां जो अगे मुलाजम जो छोटे मुलाजम ने ग्राउंड में काम करने वाले उनका कसूर है उसका कसूर है, फिर अगर इन्हें कट लेना है तो शल्टर डाउन करना है तो उसका एक मतलब प्रॉपर बना ना ये शड्यूल बना क्या जी सोमवार या मंगलवार या बुधवार जो भी इन्हें दिन चुनना हफ्ते में उस दिन के ऊपर जो है इस सवेरे तो लिए शामी तक लाइट कट कर, अस नहीं बोलते कि नहीं कट कर मतलब इसकी रिपेयरिंग भी होनी है और न्यू भी लगनी है, बट ये है कि कोई कट का पता तो लगे कि किन्ने घंटे का कट है या कदों आनी है कदों नहीं आनी, ताकि कोई बंदा जो है अगले बंदे की बोली सके भाई 2 घंटे बाद लाइट आनी है 2 घंटे बाद आवे अस तुसें पानी देगे, उस चीज़ का कोई है ही नहीं। देखो राया मोड़ जाइए असना क्योंकि अस दुखी हो चुके हैं, ये बाद कोई गल नहीं
बिजली पानी बगैर साढ़े कोई तला नहीं रेहता, कोई कुछ नहीं रेहता। बाकी ये जेहड़े तुस नुमाइंदे आखा दे, नुमाइंदे सारे बीजेपी की गौरमेंट की गोदी बिच बैठे दे, सब आखदे लेबर लाई बैठे अस बीजेपी दे, अस बीजेपी दे, अस बीजेपी दे, ये सारे उत्थे जाई बैठे दे। हुण असें थोड़े आखना तुस बोलो की नहीं बोलते, अज की जरूरत पी सानू अपोजिशन आह्ले की, ये फेलियर होई गेदे ने। इतने इन्ना ज्यादा रोल जो नॉर्मल वर्कर ना उसी आखो ना फिर आना उसी पता हूँ जिन्ना असें नारे लाए वो आखते कि एक बैड मैसेज जाता सारी पार्टी जेडे बच्चे चंद आदमी ने मतलब जेडे लोग हैड है मतलब जेडे या नुमाइंदे ने क्योंकि जिस वेले सलाथी साहब ने ज्वाइन की तो मुंबई ने सलाथी दे गए सारे वर्कर पहला एन सी दे गए सारे हूँ सारे बीजेपी के हो गए मेरे को साफ गल है बोलते अपने मतलब दसो ना केड़ा पंच का केड़ा सरपंच का केड़ा चेयरमैन बोलिया अज कुछ डी डी सी का वो जो इतने आता उसने लोगों इन्ना अंधा धुंद तोड़ दिते अज कु गए ने वो बड़े दुख की गल है और एक तीजी गल है कि जी साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है अफसर शाही नहीं देखिए ताना शाही है हर अफसर अपनी ताना शाही करा रहा कोई कोई मतलब इनका कोई चेन नहीं है कोई फील्ड कोई फील्ड कोई अफसर नहीं है जेई चाहे पी एच ई ले लो चाहे पी डी ले लो कोई सर जेई कोई फील्ड नहीं है तो पता करने की लोगों की परेशानी सर एक चीज मैं पूछगा क्योंकि सारे लोग ये आखा दे कि कोई साड़ी सारे जो भी एडमिशन है सारा अपनी मनमानी करा रहे क्योंकि कोई भी साड़ी साड़ी गल मनी है राजी नहीं है क्या ये तुझ भी मतलब ये गल आख दे किन्ने तक सर सच है सर बिल्कुल अफसर शाही नहीं ताना शाही बनी थी सर कोई अफसर जरा समझता कि मैं मिनिस्टर लेवल से बराबर क्योंकि गवर्नमेंट कोई है नहीं गवर्नर राज है कोई इन्हें पुछ मंग है नहीं कोई मतलब किसी अगर अफसर शाही चलाइए तो इंदा भी फर्ज है कि लोगों के डोर डोर टू नहीं छोड़ो ग्रां चाहिए कि भाई नुमाइंदे जो चुने सरपंच सरपंच उन्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है के कंटेनमेंट लाइट की है किन्ने घंटे लाइट आई किन्ने घंटे जा रही और अंजड़ी के लोग काफ़ी दुखी लगे उनके अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे जेई है चाहे ए डब्ल्यू है चाहे एक्सिन है इनका जहाँ तक कहना है कि वो फोन उठा के भी राजी नहीं है और जहाँ तक जहाँ आने का सवाल है वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने कभी किसी गांव का भी विजिट किया हो किसी ऑफिसर ने। ये लोग काफ़ी दुखी हैं लाइट के हवाले से क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी 15-20 दिन से चल रहा है तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इस मसले को हल करना चाहिए था क्योंकि जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से किराया दे रहे हैं क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी तो पानी की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। लोग इसलिए बहुत दुखी हैं। मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से मैं अपील करता हूँ, मैं डी सी मैम सांबा से अपील करता हूँ कि जो ये मसला है इसको मुझे लगता है कि जल्दी हल करना चाहिए क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम कुछ दिनों तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो जो नेशनल हाईवे है वो भी हम बंद कर सकते हैं। तो मैं डी सी मैम और गवर्नमेंट इंतजामिया से दोबारा यही अपील करता हूँ ये जो मसला लोगों का मसला है क्योंकि पब्लिक का मसला है तो इस पब्लिक के मसले को जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश करें। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।